पठान मूवी के बाद शाहरुख खान के लिए पूरे बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। अब से ये चीज़ साहब को मालूम चल चुकी है कि जो बॉलीवुड है वो शाहरुख खान के दम पर ही चल रहा है, मीन के पूरा बॉलीवुड शाहरुख खान के पीछे चल रहा है। तो आज की वीडियो में आपको जवान मूवी के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आप लोग जानते हो। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। फैक्ट नंबर 10, तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार थालापति विजय वो शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे और कहा ये भी जा रहा है कि दीपिका पादुकोण होंगी, बट उनका एक कैमियो होगा। जबकि ये चीज़ हमें टीजर में भी देखने को मिल गई है कि जो अपनी दीपिका पादुकोण होंगी वो जस्ट थोड़ी देर के लिए आएंगे, अपना कैमियो देंगी, बट वो कैमियो थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए नहीं, मे बी 10 मिनट से भी ज़्यादा का हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, यहाँ पर अगर विजय सेतुपति की बात करें तो वो विलन माने जाने में सबसे बेस्ट हैं, मीन के उन्होंने जिस मूवी में भी विलन का कैरेक्टर प्ले किया है तो वो मूवी हिट गई है। और शाहरुख खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये चीज़ कही थी कि जब भी कभी उन्हें विलन का रोल प्ले करना होता है तो वो उनकी एक्टिंग लाजमी देखते हैं। फैक्ट नंबर 8, जहाँ पर जवान मूवी के रिलेटेड हर एक चीज़ पूरी चर्चा में है, वहाँ पर म्यूज़िक को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इस मूवी में म्यूज़िक देने वाले हैं आयुध रविचरण और इस मूवी में म्यूज़िक के लिए पहले AR रहमान को कहा गया था, मगर अभी जवान के टीज़र की म्यूज़िक देखकर तो सीरियसली ये चीज़ मालूम चल गया है कि रवि इसके लिए बेस्ट ही थे। फैक्ट नंबर 7, फिल्म का बजट 300 करोड़ है, पठान का बजट 250 करोड़ था और 250 करोड़ में हमें बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिला था। और भी सोच कर देखो कि 300 करोड़ के बजट में कितना ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में जिन्होंने काम संभाला है VFX का वो है शाहरुख खान की अपनी कंपनी रेड चिलीज, और रेड चिलीज़ के आपको पास्ट हिस्ट्री से पता होगा कि वो VFX के मामले कितने ज़्यादा सीरियस हैं और कितनी ज़्यादा ग्रिप है। इवन रावण की एग्जांपल ले लो, जब शाहरुख खान की मूवी रावण आई थी तो उस टाइम पर VFX कितना ज़्यादा बेहतर था। इवन लाइक आदि पुरुष की बात कर लें तो 500-600 करोड़ के बजट में आदि पुरुष बनाई गई और VFX एकदम बकवास, जबकि रावण आज से इतना ज़्यादा टाइम पहले बनाई गई थी और VFX बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो इस चीज़ से आप लोग उम्मीद लगा सकते हो कि जवान में हमें किस हिसाब का VFX देखने को मिल सकता है। फैक्ट नंबर 9, यहाँ पर हीरोइन की बात करें तो वो टीज़र में अनाउंस कर दिया गया है कि नयनतारा होंगी, जो कि एवर साउथ ग्रीन एक्ट्रेस हैं, और यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा टाइम पहले शाहरुख खान और इनकी एक साथ मूवी के रूमर्स चलते आ रहे थे और आज के टाइम पर ये चीज़ सच हो गई, और सीरियसली इन दोनों की जोड़ी को देखना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। फैक्ट नंबर 4, शाहरुख खान ने 4 साल बाद अपना कमबैक किया है, पठान मूवी की हाइप अभी तक ख़त्म नहीं हुई और अभी मतलब पठान मूवी के बाद माहौल एकदम गर्म हो चुका है, उनका जो लेवल था वो एक लेवल अभी उससे और ऊपर जा चुके हैं और ये मूवी में हमें एक नहीं बल्कि 2-2 शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि एक बाप होगा और एक बेटा होगा। फैक्ट नंबर 3, फिल्म को फेमस करने में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी का भी अहम किरदार अदा होगा, लाइक मूवी में जो इंडियन के बेस्ट कॉमेडियन हैं वो भी होंगे, जिनमें योगी बाबा और डॉक्टर सुनील ग्रोवर। डॉक्टर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम वो स्टेज शोज में डॉक्टर का रोल प्ले करते रहते हैं। सुनील ग्रोवर को आपने ज़्यादातर द कपिल शर्मा शो में देखा होगा और जब बागी मूवी आई थी टाइगर श्रॉफ के साथ भी देखा होगा, जहाँ पर इन्होंने श्रद्धा कपूर के वालिद का रोल प्ले किया था। फैक्ट नंबर 2, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि साउथ और बॉलीवुड, नॉर्थ बॉलीवुड साउथ बॉलीवुड दोनों क्लैप कर रहे हैं इस मूवी में, तो कहा ये भी जा रहा है, रूमर्स ये भी हैं कि इस मूवी में हमें साउथ के भी कॉमेडियन देखने को मिल सकते हैं, और अगर ऐसा होता तो सीरियसली धमाका होगा। फैक्ट नंबर 1, ये बहुत अमेजिंग है, सलार वर्सेस जवान। सोचने वाली बात यह है कि सलार क्या पठान को जवान को टक्कर दे सकेगा, और जवान की हाइप का आपको पता है, और अगर सलार की बात करें यानी कि प्रभास की पीछे वाली 3 मूवीज़ फ्लॉप हुई हैं, मतलब आदि पुरुष की बात करें तो वो अपना बजट रिकवर नहीं कर पाई, राधे श्याम, साहू,
बिल्कुल फ्लॉप मूवी गई हैं। तो यहाँ पर सलार के साथ बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं, और सलार में अगर KGF के अपने रॉकी भाई की एंट्री हो जाती, कैमियो हो जाता है, देन हो सकता है जवान को टक्कर दे ले, वरना जवान बाजी मार जाएगा। तो आपको इस हवाले से क्या लगता है कमेंट्स में लास्ट बताना। वीडियो से तो लाइक कर दो, कमेंट डाउन कि आपका फेवरेट फाइट कौन सा था, सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और एक बंड से बताऊं कि सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसके पैसे नहीं लगते। We'll be right back.